हमारे समाज में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। जब आप किसी अस्पताल में या डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पूरी उम्मीद होती है कि सही तरीके से इलाज होगा। अपने जीवन को बचाने के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से डॉक्टर को सौंप देते हैं और ये सब कुछ एक विश्वास पर टिका होता है। लेकिन इस विश्वास में दरार तब पड़ जाती है जब आपके साथ धोखा हो जाता है। पर ऑपरेशन के दौरान उनके पेट में कपड़ा छोड़ दिया। पैसों के लालच में डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया। की लापरवाही की वजह से कई माओं की गोद सूनी हो। लेकिन अस्पताल की लापरवाही ने उनकी आँख छीन। वो प्रतिबंधित दवा दी गई जो इस बीमारी में दिए जाने के लिए प्रतिबंधित है। जिसने अपना हाथ गवा दिया है अस्पताल की लापरवाही की वजह से। डॉक्टर की लापरवाही, चिकित्सक की ओर से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। बता दें कि इलाज में लापरवाही से पेशेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाता है, यहाँ तक कि कई बार मौत भी हो जाती है। देश में ऐसे काफी मामले सामने आते रहते हैं, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि देश में मरने वाला हर पांचवा इंसान मेडिकल की लापरवाही से मर रहा है। इस मामले में ओडिशा और कर्नाटक सबसे बुरे हालत में है, लेकिन ऐसे केस बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां पर एक पीड़ित को न्याय मिल पाता है। पहली बात तो ये कि एक आम आदमी को ये पता ही नहीं होता है कि कहां और कैसे शिकायत करनी है। दूसरी बात कि अगर लापरवाही की वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है तो परिवार पहले से ही मानसिक रूप से टूटा हुआ होता है और फिर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बच पाती है और उसे लगता है कि इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ मैं अकेला कैसे लड़ पाऊंगा। अगर जैसे तैसे वो शिकायत दर्ज करवाने पहुंच भी जाते हैं तो आरोप साबित करने के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस पेश करने पड़ते हैं और फिर कई सालों तक लगने वाला टाइम। दोस्तों, ये इश्यू बहुत ही गंभीर है। हम हर दिन टीवी चैनल्स और अखबारों की हेडलाइंस में ऐसी खबरें देखते रहते हैं। कई बार ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर से मेडिकल इक्विपमेंट शरीर में छूट जाता है तो कभी किसी और लापरवाही की वजह से मरीज जान गंवा बैठता है। कई बार तो लोग अस्पतालों के बाहर हंगामा खड़ा कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे मामलों में एक आम आदमी क्या कर सकता है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल लापरवाही कैसे करते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखो, मेडिकल लापरवाही का मतलब होता है कि किसी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्स या किसी सर्जन के द्वारा पेशेंट का सही प्रकार से इलाज नहीं किया गया हो या उसकी सही प्रकार से देखभाल नहीं की गई हो, जिससे कि मरीज को नुकसान हो गया। इसको आप तीन पॉइंट्स में आसानी से समझ सकते हैं। पहला, कि डॉक्टर ने जिस पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया है, क्या उस बीमारी का इलाज करने की प्रोफेशनल स्किल्स उस डॉक्टर के पास है। अगर उसके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है या उसने केवल पैसे के लालच में या फिर किसी दूसरे कारण की वजह से पेशेंट को एडमिट किया है तो फिर इस इलाज में डॉक्टर की लापरवाही मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट, कि बीमारी के अनुसार ही इलाज हो। ऐसा नहीं कि उसको मलेरिया की बीमारी है और टाइफाइड की दवाई दी जा रही है, इससे भी लापरवाही ही माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, कि कहीं डॉक्टर के पास स्किल्स की कमी या फिर समय बचाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका तो नहीं लिया गया हो, काम पर फोकस नहीं हो पाया हो और गलत जगह सर्जरी कर दी गई हो। अब उसके कारण अंदरूनी किसी भाग में चोट लग जाए, खून अधिक बह जाए या मरीज के शरीर में कोई बाहरी वस्तु जैसे कि पट्टी, कैंची या सुई छोड़ दी, तो ये सभी चीजें भी लापरवाही के अंतर्गत ही आती हैं। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको देश में हुए कुछ मेडिकल लापरवाही के केसेज दिखाता हूं। पहला केस, कुणाल साहा वर्सेज एमआरआई हॉस्पिटल, ये 1998 का केस है। दरअसल अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर कुणाल साहा एक शादी में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी अनुराधा साहा के साथ कोलकाता आए थे। अब इसी दौरान उनकी पत्नी को बुखार हो जाता है और शरीर पर कुछ दाने निकल आते हैं। उन्हें लगा कि कोई एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, तो वो डॉक्टर को दिखाने कोलकाता के एएमआरआई हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहां पर डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी ने उन्हें 80 mg डेपोमेट्रोल नाम की एक दवाई दी और कहा कि 3 दिन के लिए दिन में 2 बार इसको लेना है। लेकिन यहाँ पर जो कुणाल साहा थे वो खुद भी अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में रिसर्चर थे, तो उन्होंने डॉक्टर को टोका और कहा कि ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी ने कहा कि मैं आपकी पत्नी की तरह ही रोज ऐसे 100 पेशेंट देखता हूँ और ये दवा मैजिक की तरह काम करती है, बस आप मुझ पर विश्वास करो। वैसे इंडिया में इस दवाई को सप्ताह में एक बार 40 से 120 mg तक ही लेने की सलाह दी जाती है और यहाँ तो दिन में ही 2 बार दी जा रही है। अब दवाई देने के बाद भी सुधार नहीं होता है तो उन्होंने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जहाँ उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, उनकी पूरी स्किन छिलने लग जाती है। दरअसल उन्हें दवा के साइड इफेक्ट से टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस नाम की बीमारी हो गई, जो दवा के साइड इफेक्ट से होने वाली स्किन की बीमारी है।
इसके बाद उनकी पत्नी को मुंबई के अस्पताल में ले जाया गया जहां उनकी डेथ हो जाती है। जब कुणाल शाह ने अस्पताल और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो आरोप सही साबित हुआ और 2013 में कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया जिसमें कुणाल शाह को मुआवजा के तौर पर 6,08,00,000 रुपए मिले। दूसरा केस है पर्वत कुमार मुखर्जी वर्सेज रूबी जनरल हॉस्पिटल। दरअसल इसमें एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर खड़ा एक व्यक्ति उसे कोलकाता के रूबी जनरल अस्पताल ले जाता है। अब अस्पताल पहुंचने तक वो लड़का पूरे होश में था लेकिन उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। लड़के ने अस्पताल के कर्मचारियों को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाई ताकि उसे 65,000 रुपए का अपना इंश्योरेंस का क्लेम मिल सके। हालांकि इसके बाद भी लड़के ने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपको पूरे बिल का खर्चा भर दूंगा लेकिन आप बस मेरा इलाज शुरू कर दो। इस पर अस्पताल ने इलाज करना शुरू कर दिया। इसके थोड़ी देर के बाद ही एक क्लर्क ने उस दूसरे आदमी से 15,000 रुपए देने को कहा। अब उस आदमी ने 2,000 रुपए तो जमा करा दिए और बाकी के लिए उसने उस लड़के की मोटरसाइकिल को भरने के लिए कह दिया लेकिन अस्पताल ने इनकार कर दिया और इलाज बंद कर दिया और सरकारी अस्पताल में उसको रेफर कर दिया जहां पर रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है। अब जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि महज 15,000 रुपए के लिए इलाज बंद कर देना कोई पर्याप्त कारण नहीं है। डॉक्टर को दोषी पाया गया और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया। तीसरा केस है वी किशन राव वर्सेज निखिल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। इस मामले में पेशेंट को मलेरिया की बीमारी थी, वहीं अस्पताल उसको टाइफाइड की दवाइयां दे रहा था लेकिन जब दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ तो फिर मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाया गया जहां पर पता चला कि मरीज को तो मलेरिया है लेकिन गलत दवाइयों की वजह से उसके 3 दिन बाद ही मौत हो जाती है। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो अस्पताल को गलत ट्रीटमेंट का दोषी पाया गया और 2,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोस्तों इनके अलावा और भी कई केसेज हैं जहां पर पेशेंट को न्याय मिल पाया लेकिन ऐसे बहुत से केसेज हैं जहां पर विक्टिम्स आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे एक मामला पटना का है जहां एक लड़की अपने कान के दर्द को लेकर हॉस्पिटल में दिखाने गई जहां डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन की सलाह दी। अब उसकी सहमति से कान की सर्जरी भी कर दी गई लेकिन ऑपरेशन के समय उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया था जिसे नर्स ने नस की जगह ऑल्ट्री में लगा दिया था जिसके बाद उसके पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया और कुछ समय के बाद वो पूरा हाथ काला पड़ जाता है। इसके बाद कई अस्पतालों में चक्कर लगाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि आपके हाथ को ही काटना पड़ेगा और अंत में उनके हाथ को काट दिया गया। पहले तो काफी दिन तक पीड़ित परिवार भटकता रहा लेकिन जब यह मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आया, मीडिया में खबरें चलने लगी, तब अस्पताल ने अपनी गलती मानी और उसे मुआवजा देने की बात कही है। दोस्तों एक आम आदमी को मेडिकल के टर्मिनोलॉजी पता नहीं होती है, बीमारी का इलाज किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस फॉलो की जाएगी, कौन सी दवा देनी है, ये सब कुछ डॉक्टर ही तय करता है और ये चीजें सभी के साथ होती है कि डॉक्टर्स खुलकर के बताते नहीं है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अगर पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा तो परिवार वाले डॉक्टर से सवाल तो पूछेंगे ही और अगर उनसे कुछ ज्यादा पूछ लिया जाए तो वो कहते हैं कि डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ, मुझे मत सिखाओ, मैं अपना इलाज कर रहा हूँ। इसी तरीके की चीजें आपने भी कभी ना कभी फेस की होगी लेकिन आपके कुछ अधिकार हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला कि आप पेशेंट की बीमारी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है या जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनके बारे में समझ सकते हैं। तीसरी बात कि अगर ट्रीटमेंट से कोई रिस्क है या दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट है तो उसके बारे में डॉक्टर्स को आपको बताना होगा। वहीं आप ये भी जान सकते हैं कि जो डॉक्टर्स आपका इलाज कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। वहीं अगर आपको लगता है कि जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है या जो दवाइयां हैं उसके बारे में कुछ शंका है तो आप किसी दूसरे डॉक्टर से भी राय ले सकते हैं। अब मेडिकल लापरवाही पर कानून क्या कहता है। दोस्तों व्यक्ति अपने प्रोफेशन में कितना ही स्किल्ड और एक्सपर्ट क्यों ना हो, गलती उससे भी हो सकती है लेकिन अगर मेडिकल के फील्ड में कोई गलती हो जाती है तो वो किसी की जिंदगी और मौत का कारण बन सकती है, इसीलिए इस गलती को भारतीय कानून में अपराध माना जाता है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो सबसे और आसान और सिंपल तरीका है कि आप कंज्यूमर फोरम में चले जाएं। इसके अलावा राज्य की स्टेट मेडिकल काउंसिल में भी जा सकते हैं। अगर आप यहां भी संतुष्ट नहीं है तो फिर इंडियन मेडिकल काउंसिल में जा सकते हैं। इसके बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विकल्प मौजूद होता है, यानी आप एक जगह सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज मौजूद है। अब विक्टिम के पास दो तरह के ऑप्शन मौजूद है कि एक तो आप डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल केस कर सकते हैं या फिर सिविल केस कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा लापरवाही हुई है जिसमें कि मरीज की जान तक चली गई तो यह क्रिमिनल डिवीजन में आता है। इसमें आईपीसी की धारा 304A के अंतर्गत केस किया जा सकता है।
अगर आरोप साबित होता है तो डॉक्टर को 2 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन क्रिमिनल मामलों में क्राइम करने के इरादे को साबित करना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा, अगर आप सिविल केस करते हैं तो इसमें आपको मुआवजा मिलता है। अब देखा जाए तो क्रिमिनल की बजाय सिविल केस करने में ज्यादा सुविधा होती है, क्योंकि इसमें डॉक्टर की सिविल लायबिलिटी को साबित करना काफी आसान होता है। अब दोस्तों, कानून तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक पीड़ित के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इसे प्रूफ कैसे करेंगे। भले ही आप कोर्ट में जाएं, कंज्यूमर फोरम में जाएं, बिना डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग एविडेंस के केवल कहने भर से किसी के ऊपर आरोप साबित नहीं हो जाता। वहां पर ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर ने वो कहा था, डॉक्टर ने ये नहीं कहा था। तो कुछ जरूरी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो डायग्नोसिस का डॉक्यूमेंट, जिसको जनरली प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और ट्रीटमेंट के समय जो भी उस पर लिखा जा रहा था वो आपको पता होना चाहिए, और उस पर आप सवाल भी कर सकते हैं। उसके साथ ही जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको किसी थर्ड डॉक्टर से भी ओपिनियन लेनी पड़ेगी। आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाएं तो आखिर में आपको एक डिस्चार्ज समरी भी दी जाती है। अब ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये देते ही नहीं है, और न ही हम लोग मांगते हैं, लेकिन आपको हॉस्पिटल्स के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स लेने का अधिकार है। आप रिटर्न में दीजिए, 72 घंटों के अंदर हॉस्पिटल को सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इसके अलावा आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि 2 साल का ही समय मिलता है जब आप किसी अस्पताल के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां पर अस्पताल डेड बॉडी देने से पहले पैसे मांगते हैं, तो कानून के अनुसार ऐसा अपराध है। अगर अस्पताल डेड बॉडी नहीं देता है तो इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की जा सकती है। इसके अलावा कोर्ट में भी जाया जा सकता है। दोस्तों, एक पेशेंट का अधिकार केवल इलाज में लापरवाही तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे और भी काफी सारे अधिकार हैं, जैसे कि आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खुलेआम लूट चल रही है। अगर आपसे इलाज के ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं या MRP से ज्यादा रेट पर दवाई बेची गई है, तो इसकी भी कंप्लेंट की जा सकती है। और कुछ समय पहले तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई बड़े बड़े हॉस्पिटल से मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। इनके बेड्स के चार्जेज 5-स्टार होटल्स के जैसे हैं, दवाओं और टेस्ट के रेट ज्यादा ले रहे हैं। अभी CCI इन पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता हमेशा एक ट्रस्ट पर टिका हुआ होता है। अगर वो ट्रस्ट ही टूट जाएगा तो फिर दोनों साइड से ही दिक्कत होगी। मेडिकल साइंस अपने आप में कोई परफेक्ट साइंस नहीं है। एक ही सिचुएशन में 2 ओपिनियन मिल सकते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट पर किसी का भी जोर नहीं चलता है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि लोग इमोशनली होकर जब उनका पेशेंट नहीं बच पाता है तो डॉक्टर के साथ हिंसा पर उतर आते हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के दौसा जिले से आया था, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो जाती है, जमकर के हंगामा होता है और डिलीवरी करा रहे डॉक्टर के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर इतनी दबाव में आ गई थी कि अगले ही दिन उसने अपनी जान दे दी। इसलिए थोड़ा भावुक हुए बगैर अपने केस को देख करके अगर वास्तव में आपको लगता है कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है और बाकी के डॉक्टर से ओपिनियन लेकर ही कोई कदम उठाएं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी किसी हॉस्पिटल में ऐसा कोई केसेज हुआ है या आपके साथ खुद के साथ ये कोई घटना घटी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर तो जरूर कर देना। वहीं ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, ताकि ऐसी और वीडियोज हम आपके लिए ला सकें।